फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आओ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास बाइक है, कार है और उसमें जो इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस को आप कैसे खुद कर सकते हो आपके मोबाइल से, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो इंश्योरेंस है वो कोई भी एजेंट से बनाते हैं, ऑनलाइन शॉप से बनाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन शॉप से बनाते हो तो उसमें आपको 200, 300 या 500 तक का भी एक्स्ट्रा चार्ज ले लेता है, जितना आपको फीस रहता है, फीस से भी बहुत ही ज़्यादा चार्ज करता है। तो इसीलिए अगर आप अपने मोबाइल से इसको बना सकते हो तो क्यों जाना है आपको ऑनलाइन शॉप पर। तो इसीलिए आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने वाला हूँ, आपको कैसे करना है, कितना आपको पेमेंट लगने वाला है और मतलब सब कुछ प्रोसेस आपको इधर पता चल जाएगा। तो वीडियो को आप फास्ट से लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बेल का घंटी है उसको भी आप प्रेस करके रखिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का जो वीडियो है, वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जाना होगा इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो आने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि रिव्यू कैसे करना है, क्लेम कैसे करना है और आपको इंश्योरेंस बाय कैसे करना है। तो बाय पे क्लिक करने के बाद आपका कार है या बाइक है तो चूज़ कर लीजिए। तो देखिए मैं बाइक को चूज़ कर रहा हूँ। तो चूज़ करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन होना है, होने के बाद आप नीचे देख सकते हो आपका जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है इधर पुट कर दीजिए और मोबाइल नंबर पुट कर दीजिए। तो देखिए मैंने पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद आपको गेट कोड पर क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपका डिटेल्स इधर ऑटोमेटिक से शो हो जाएगा, जैसे कि आपका आरटीओ ऑफिस किधर है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन डेट कब हुआ था, फिर कौन सा ईयर में हुआ था, तो सब कुछ इधर शो हो जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद कंटिन्यू हो जाएगा। फिर आपका जो कंपनी है, कौन सा कंपनी का आपका बाइक है या कार है, उसको चूज़ कर लेना है। सब कुछ कंपनी इधर शो हो जाएगा, तो आप चूज़ कर लीजिए। तो मैं इसमें बाजार चूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए बाजार चूज़ कर लिया। फिर आपका कौन सा बाइक है या कौन सा कार है, इसमें से आपको चूज़ करना है। तो मैं इधर से पल्सर को चूज़ कर रहा हूँ। तो चूज़ करने के बाद आपको चूज़ करना है कि आपका फ्यूल कंडीशन कौन सा है, पेट्रोल का है या डीजल का है। तो देखिए बाइक ऑब्वियसली पेट्रोल का होगा, तो मैं पेट्रोल का इधर चूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए चूज़ करने के बाद देखिए पेट्रोल लिखा हुआ है, तो इसमें चूज़ कर दिया। तो चूज़ करने के बाद हो गया। फिर आपका वेरियंट कौन सा है, मतलब कौन सा सीसी का है, या जैसे कि आपका देखिए 150 BS4। तो देखिए मेरा 150 BS4 है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आपका जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट करने के बाद इस टाइप से आपका जो पॉलिसी है, पॉलिसी डिटेल्स इधर शो हो जाएगा, जिसमें आपका एक्सपायरी डेट कब हुआ था आपका प्रीवियस वाला, तो उसका डेट आ जाएगा, और जो करंट जो आपने पॉलिसी ले रहे हो, इस पॉलिसी को आप कितना ईयर के लिए ले रहे हो। तो इसमें आप एडिट भी कर सकते हो, 2 साल के लिए कर सकते हो, 3 साल के लिए कर सकते हो, करके आप ओके कर दीजिए, हो जाएगा। फिर आपका देखिए इसमें कितना पैसा आपको लगने वाला है, उसका लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कॉम्प्रेहेंसिव विथ 0 डेप, तो इसमें आपको ज़्यादा लगेगा। फिर कॉम्प्रेहेंसिव इसमें थोड़ा कम लगेगा, फिर थर्ड पार्टी में आपको और भी कम लगेगा। लेकिन इसमें GST इंक्लूड नहीं किया गया है, GST अगर हो जाएगा फिर आपको और भी ज़्यादा लगेंगे। तो इसमें आपको जो भी अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हो, उसमें फीचर्स अलग अलग है। तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट पार्टी होता है उसमें आपको क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ मिलते हैं, और जो थर्ड पार्टी होता है उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। तो अगर आपको कम में करना है तो आप थर्ड पार्टी पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपका व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, फिर इंजन नंबर भी शो हो जाएगा ऑटोमेटिक से, फिर आपका जो सेसिस नंबर वो भी ऑटोमेटिक से शो हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो आपका प्रीवियस जो भी पॉलिसी था यानी इंश्योरेंस था, उस इंश्योरेंस का क्या पॉलिसी नंबर था, उस नंबर को इधर आपको पुट करना है। फिर आपको प्रीवियस कौन सा कंपनी से आपने इंश्योरेंस को किया था, उस कंपनी का नाम लिखना है। फिर इसमें जो भी डिटेल्स आपको डिटेल्स पुट करना है। पुट करने के बाद आपको कंटिन्यू टू ओनर डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने कर दिया। तो करने के बाद फिर आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाए, जिसमें आपका जो ओनर है, ओनर का डिटेल्स इधर पुट करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नॉमिनी फुल नेम इधर टाइप करना होगा, फिर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो भी पुट करना होगा, और आधार नंबर, पैन कार्ड और पासपोर्ट नंबर ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो नहीं भी आप दे सकते हो। तो इस हिसाब से आप पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद आपको कंटिन्यू टू योर एड्रेस डिटेल्स इधर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको और एक इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपको आपका एड्रेस पुट करने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से
थोड़ा लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आ जाएगा जिसमें आपका एड्रेस पुट करना होगा, जैसे कि एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 इस टाइप से है। तो आपका जो भी एड्रेस है एड्रेस को इधर पुट कर दीजिए और आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऑटोमेटिक से आ जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू फॉर पेमेंट इसमें क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा वो इधर शो हो जाएगा, जैसे कि आपका पेटीएम से भी पे कर सकते हो, आपका डेबिट कार्ड है पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी आप पे कर सकते हो। तो देखिए इसमें जीएसटी लगा के थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि 1300 हो चुका है, पहले आपको दिखा रहा था 1100, अभी 1300 हो गया है। तो इस हिसाब से आप जल्द से जल्द इसको पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट करने के बाद आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, यानी उसको प्रिंट करके आप अपने साथ रख सकते हो, वही आपका जो इंश्योरेंस है बाइक का हो कार का हो आपका बन जाएगा। और देखिए अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, जो कंपनी वाला जो मेन हार्ड कॉपी होता है वो चाहिए, तो आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन में आप टिक करके सबमिट कर दीजिए तो आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा जो बाय पोस्ट आपके घर आएगा। तो इस हिसाब से आप आसानी से आपका कार का हो बाइक का हो या किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल्स का हो आप आसानी से इंश्योरेंस बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।